देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं, पार्टी हाईकमांड ने मुझे समर्थन किया है, उनका पूरा सहयोग मिला है, हर जंक्चर पे मिला है और मैंने उनसे बात करी है। मगर अब ये निर्णय उन्होंने लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैंने करना है वो मैंने कह दिया है। आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस व्हाट आई हैव स्पोकन टू हर इन पर्सन, मगर मैंने जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया है, उनको अवगत करवाया है और आने वाले समय में अब निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान के हाथ में। सर, आपको लगता है कि अगर अनाउंस योर रेजिग्नेशन तो मोहनलाल जी सीपीएस विल ही आल्सो रिजाइन? दैट इज फॉर हिम टू डिसाइड, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी। जो विधायक बागी हुए हैं, अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है, मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया जाता है तो सरकार बच सकती है, जो सरकार पर संकट अभी आया हुआ है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हर परिस्थिति में सरकार बचे, संगठन बचे। जैसे मैंने कहा कि बहुत प्यार से प्रदेश के लोगों ने इस सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया है। आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है ये निर्णय पार्टी हाईकमान ने लेना है। विक्रमादित्य जी, एक साल बाद ये बात क्यों, जब सरकार टूटने की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आ गई है, विधायक कितने हैं, क्योंकि बीजेपी भी तरह तरह के दबाव विधायकों पर डालती है, क्या आप पर भी कोई ऐसा दबाव तो नहीं है? देखिए, मैं जो करता हूँ वो ठोक बजा के करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जहाँ गलत हूँ उसको मानने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर चीज में मैं सही हूँ।